हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ प्रीति गुप्ता और मेरा चैनल प्रीति क्रिएशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बहुत पुरानी से पुरानी दांत खाज खुजली की परेशानी को कैसे दूर करें और मात्र एक हफ्ते में कैसे दूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने लिया है वो है लहसुन। लहसुन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी दांत खाज खुजली को पूरी तरह से साफ़ कर देती है, हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से रिमूव कर देती है, यहाँ तक कि फंगल इन्फेक्शन जो ओरिजिनल फंगल रिंग वॉर्म होता है उसे भी पूरी तरह से क्लीन कर देती है। दोस्तों, दांत खाज खुजली क्या होता है मैं बता दूं। दोस्तों, आप वीडियो भी देखते जाइए, मैं वीडियो में लहसुन को कद्दूकस कर रही हूँ, हमें इसमें लहसुन का जूस निकालना है। दोस्तों, दांत खाज खुजली ज़्यादातर प्राइवेट पार्ट्स में होती है और धीरे धीरे प्राइवेट पार्ट से कमर गर्दन तक होते हुए ये पूरे शरीर में फैल जाती है, और सही समय पर इसका इलाज ना लिया जाए तो ये पूरे शरीर पर फैल जाती है, और सही समय पर अगर हम इसका इलाज ना लें तो यह बहुत लंबे समय तक जीवन भर भी हमारी स्किन पर रह जाती है। दोस्तों, इसके लिए हम डॉक्टर्स से कई क्रीम, कई गोलियां, कई मेडिसिन खाते फिर भी हमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन इस वीडियो से आपको डेफिनेटली फ़र्क होगा क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ वीडियो है। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैंने इसमें लहसुन के जूस निकाल लिया है, लहसुन को कद्दूकस किया मैंने। लहसुन के 3 से 4 कलियां ले लीजिए और इन 3 से 4 कलियों को कद्दूकस करके आप इनका जूस निकाल लीजिए। जैसे कि आप बॉल में देख सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में मैंने लहसुन का जूस लिया है। दोस्तों, अब दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें लेने वाले हैं दोस्तों, वो है कपूर। कपूर हमारे जो दांत खाज खुजली के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारी दांत खाज खुजली की जो प्रॉब्लम है, कपूर उसका बहुत एक मेन सॉल्यूशन है। आप दांत खाज खुजली का जो भी नुस्खा तैयार करें उसमें कपूर एक फिक्स इंग्रेडिएंट रहता है। कपूर हमारे घर के पूजा घर में आसानी से मिल जाता है। देखिए, इस तरीके से आपको 2 कपूर के बाइट लेना है, उसे मसल कर या फिर उसका चूरा बनाकर उसे मसल कर आप उसे इसमें डाल दीजिए। दोस्तों, दांत खाज खुजली से मैं भी परेशान बहुत रही, मेरे पैरों में दांत खाज खुजली, मैंने ये नुस्खा आजमाया और डेफिनेटली इसका फ़र्क देखने को दिखा। लहसुन का उपयोग ऐसे तो हम बालों के लिए करते हैं, खाने में भी बहुत फ़ायदे है, लेकिन दांत खाज खुजली में इसका एक ये अनोखा फ़ायदा है। दोस्तों, अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं दोस्तों, वो है इसमें नारियल का तेल। आप याद रखिए, मैंने कोई स्पेशल ब्रांड नहीं लिया है, लेकिन कोई अच्छा ब्रांड ही ले, आप पैराशूट ले, नारियल कोई अच्छे ब्रांड का ले, नारियल का तेल। ये मैंने आपको सिर्फ नुस्खा बताने की, एक लोकल नारियल का तेल लिया है। आप नारियल का तेल दांत खाज खुजली को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और जो नारियल का तेल है एक परफेक्ट सॉल्यूशन है हमारे दांत खाज खुजली को भगाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम इसे थोड़ी सी मात्रा में ऑयल ऐड कर देते हैं, नारियल का तेल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी दिनों तक कई प्रकार के क्रीम्स और गोलियां उपयोग करते हैं तो जो एक्चुअल में हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है वो खो जाती है। कई लोग जालिम लोशन का उपयोग करके उस स्किन को इस तरीके से बना लेते हैं कि डॉक्टर्स भी प्रॉपर आपकी डिसीज़ को समझ नहीं पाते कि स्किन में एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन ये जो मैं रेमेडी बना रही हूँ बताया है दोस्तों, ये एक्जिमा हो या फंगस हो सारी चीज़ों को पूरी तरह से दूर कर देता है। देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसमें नारियल का तेल लिया है, कपूर लिया है और लहसुन का जूस लिया है। आपको एक कॉटन लेना है और जहाँ भी आप इसे लगाएं उस पार्ट को आप पूरी तरह से पहले डेटॉल से क्लीन कर लें, और क्लीन करने के बाद वहाँ पर कॉटन से इसे पूरी तरह से अप्लाई कीजिए। देखिएगा दोस्तों, आप 7 दिनों में आपके दांत खाज खुजली पूरी तरह से चले जाएगी और वापस भी नहीं आएगी। आप इस नुस्खे को उपयोग कीजिए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, यूट्यूब में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।